ऐ तायरे लाहूती उस रिस्क से बहुत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, कि बेंगलोर में पूरे रियासत के उलमा इकराम जब कुमार स्वामी साहब से मुलाकात किए तो उन्होंने ये मुतालबा किया था कि मुस्लिम एमएलए के सामने कैंडिडेट ना उतारे सिवाय एक सीट के, वो सीट जो आपकी सीट है, वो सीट के बारे में फिक्र बेंगलुरु के उलमा इकराम कर रहे हैं, वो सीट के बारे में फिक्र दानिश्वर हजरात बेंगलुरु के कर रहे हैं, यानी कि पूरे कर्नाटक के दानिश्वर कर रहे हैं। तमाम तर जमातें आज नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत को तस्लीम कर रही है। This video presented by Bakers Public School Gulbarga. Your kids deserve the best education. Interactive and engaging activities, holistic teaching and learning. 2023 admission are in progress, nursery to grade 9. Address behind KNZ Garden Function Hall, Ring Road, Gulbarga. वक्त आ चुका है कि इन 5 सालों में जो परेशानियां कारोबारियों को झेलनी पड़ी है, जो मुश्किलात ठेलाबंदी के कारोबार करने वालों को झेलनी पड़ी है, कॉरपोरेशन में आज भी लाइट मौजूद नहीं है कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स में, ऐसे हालात में जब हम सिर्फ सीट बचाने की बिना पर अगर बात करते हैं तो ये बात याद रखिए, सीट बचाने के लिए एक मजबूत क़यादत को लाना जरूरी है। आज तमाम तर बिरादरियां, तमाम तर जमाते आज नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत को तस्लीम कर रही है। हत्ता के मैं आपके सामने एक बात वाज़े करना चाहता हूँ कि बेंगलोर में पूरे रियासत के उलमा इकराम जब कुमार स्वामी साहब से मुलाकात किए तो उन्होंने ये मुतालबा किया था कि मुस्लिम एमएलए के सामने कैंडिडेट ना उतारे सिवाय एक सीट के, वो सीट जो आपकी सीट है, वो सीट के बारे में फिक्र बेंगलुरु के उलमा इकराम कर रहे हैं, वो सीट के बारे में फिक्र दानिश्वर हजरात बेंगलुरु के कर रहे हैं, यानी कि पूरे कर्नाटक के दानिश्वर कर रहे हैं। आज हमें इस बात की जरूरत है कि तमाम तर जमातें हमारे नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत को कबूल कर रही हैं, तमाम तर बिरादरियां नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत को कबूल कर रही हैं। हमें वोट जनता दल सेक्युलर के भारे को डालकर, औरत के निशान को डालकर, भारे को वोट डालकर इस बात ये बार साबित करना है कि हम हमेशा से जिस तरीके से क़यादत को वोट करते आए हैं, इस बार भी हम क़यादत को ही वोट करेंगे। हमें खामोश क़यादत की जरूरत नहीं है, हमें चुप बैठने वाले लोगों की जरूरत नहीं है, हमें फिरका परस्त अनासिर और बीजेपी से मुकाबला वही शख्स कर सकता है जो उनकी आंख में आंख डालकर उनका जवाब देने की काबिलियत रखता हो और तमाम तर मसाइल पर बेबाकी से बात करने की हिम्मत रखता हो। आगे के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे बीच में एक मजबूत क़यादत मौजूद रहे। हम 5 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं, हमने 5 साल में जो हालात देखे हैं इस पूरे इलाके में, गुज़िश्ता 50 सालों से हमने ऐसे हालात नहीं देखे हैं। गुलबर्गा शहर ने कई फसादात देखे, 72 का फसाद देखा, 1948 का पुलिस एक्शन देखा, इसके अलावा 92 का फसाद भी देखा बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद, लेकिन आज जो हालात हमारे बीच में दरपेश है, मुसलसल मुसलमानों को और तमाम तर कमजोर तबकात को कुचलने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ऐसी हुकूमत है जिस हुकूमत ने ऐसे ऐसे कवानीन पैदा किए जिसकी वजह से हमारी कौम और मिल्लत की बच्चियां आज स्कूल जाने से खासिर हो रही हैं, हमारे लिए परेशानियों पर परेशानियां डाली जा रही हैं, कहीं पर गोश्त खाने पर पाबंदी लगाई जा रही है, कहीं पर हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है, कहीं ताजिरों को कारोबार करने पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये तमाम तर फिरका परस्त अनासिर से मुकाबला करने के लिए और ऐसे अनासिर जो मसाजिद के सामने आकर फिरका परस्त तरीके से ऐसे प्रवचन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बयान देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारे दिल आहत हो रहे हैं, हमारे दिलों को तकलीफ पहुंच रही है, हमें ठेस पहुंच रही है। और वहीं पर जब कोई एक मजबूत कायद आपके बीच में उठ खड़ा होता है और उन सभी को ललकारता है तो चंद ऐसे अनासिर हैं, चंद ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें बस सीट को बचाना है। ऐ ताहिर लाहूती, ऐ ताहिर लाहूती उस रिस्क से बहुत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि 10 मई को 3 नंबर के बटन पर अपना बटन दबाकर, अपना हाथ दबाकर, वहां पर मोहर जो लगी रहती है, औरत जो भारा
लेकर किसान औरत खड़ी हुई है, उसके निशान पर अपना बटन दबाइए और नासिर हुसैन उस्ताद साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करके इस शहर को एक नया इंकलाब, एक नया आयाम, एक नई तारीख देने का काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।